पिछले संडे में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के तौर पर प्रभु के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार की जो अध्ययन की शुरुआत करी थी। Last week we began the study of gospel according to John and we had an introduction of that gospel. मैंने बताया था कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही खास मायने रखने वाला एक अंजील का पैगाम है। And I told you that the message in this gospel has a very great significance for our lives. हमने ये भी सीखा था कि पवित्र कलाम का ये जो हिस्सा यूहन्ना लिखते हैं एक खास मकसद को मद्देनजर रखते हुए लिखते हैं। And I told you that it's with a specific purpose that John writes his gospel. यूहन्ना लिखते हुए कहते हैं कि बहुत सी बातें खुदावन यीशु मसीह ने उनके साथ रहते हुए करी हैं, पर उन्होंने सारी बातों को ना लिखकर बस चुनिंदा बातों को लिखा है ताकि उनकी जिंदगी का ये मकसद पूरा हो कि यीशु को सब लोग परमेश्वर का पुत्र होके जान सके। John says that Jesus has done many things in my lifetime. I've seen those things, but I'm going to write about a few selected things so that you would believe that Jesus is the Son of God. यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय और उसकी 31 आयत में बड़े खास और स्पष्ट शब्दों में यूहन्ना अपने इस मकसद को जाहिर करते हैं, लिखते हैं वहां पर। And John expresses his purpose very specifically in the 20th chapter, verse 31 of the Gospel of John. ऐसा लिखते हैं कि मैं ये इसलिए लिखता हूँ कि तुम जान जाओ कि यीशु मसीह जो मसीही है, परमेश्वर का पुत्र है, और ये जानते हुए विश्वास करो कि उसके नाम में जिंदगी पाई जाती है। And he writes, but these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. यहाँ पर जो एक खास टाइटल, जो खास एक शीर्षक के तौर पर यीशु के लिए यूज किया गया है, परमेश्वर का पुत्र। There is a very specific title used for the Lord Jesus, the Son of God. ये जो खास एक शब्द है जिसके लिए उन्होंने सारी अंजील को लिखा, इस बात को लिखने के लिए, पूरा करने के लिए। And it is for this specific word that John wrote the whole gospel so that this would be fulfilled. अगर हम इस बात को ना समझे कि क्या मकसद है तो हम पूरी अंजील को नहीं समझ पाएंगे, ना उसका अध्ययन को हमें समझ में आएगी। If we do not grasp why the gospel was written, what the purpose was it, then as we read it, we'll miss the meaning of it. लिखा हुआ है कि तुम जान जाओ, आप ये बात को समझ जाएं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। He writes that you would know, that you would begin to understand that Jesus is the Son of God. ये एक खास एक फ्रेस जो है, ये एक खास शीर्षक यीशु के लिए खास तौर पर अंजीलों में यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। It's a very special title that is used for the Lord Jesus Christ in the Gospels. बहुत तेरे लोग इसको समझते नहीं हैं, इस टाइटल को। Many people cannot understand this title. क्योंकि हम अलग एक वक्त में रहते हैं और अलग लैंग्वेज में हम इस शीर्षक को पढ़ रहे हैं। Because we live in a different age and we read this title in a different language. क्योंकि ये ओरिजिनल भाषा में, ये यूनानी भाषा में पवित्र कलाम लिखा गया था। Because the New Testament was written originally in Greek. और ये यहूदियों के द्वारा लिखा गया जाता है। It was written by Hebrew people. तो बहुत से जो रस्में, रवायत और जो उसमें कई तमसीलें जिसे उदाहरण कहते हैं, जो इस्तेमाल हुई हैं, वो उस संस्कृति के साथ इनका ताल्लुक रहता है। And that's why the illustrations and examples that are used in these gospels are based on the culture of that time, the Jewish culture. और कई कई बातें जो हैं, जब तक उनको हम अपने संस्कृति में, अपने इस वर्तमान युग में उतारते नहीं हैं, तो उसका कंप्लीट मायना नहीं समझ में आता है। And many things, unless we translate even culturally to our context in today's day and age, we will miss the meaning of those. हम कभी कभार हिंदुस्तानी जो होकर हम इधर आते हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से आते हैं, तो इधर आकर हम नई अंग्रेजी में हम लोग बोलना शुरू करते हैं। You know, when we come over from Pakistan and India, we begin to use new words in English. और कभी कभार हम कुछ, हमारा जो उधर का अंग्रेजी का जो मायना कुछ और होता है, इधर कुछ और निकल जाता है। And the English that we've been speaking back home has a different meaning from what they understand here. जैसे इधर कोई नौजवान को पूछे, कैसे हो आप, कैसे फील कर रहे हो आज, कैसे आप, क्या हाल है आपका? For instance, if someone asks a young person, how are you feeling today? How are you doing? तो वो कहेंगे, I'm cool. The answer will be, I'm cool. तो आप सोचेंगे, ये लगता है इसको बहुत ठंड लग रही है। And you might think the guy is feeling cold. He needs to be warmed up. वो कि हमारे उधर हम cool तो यही सोचते हैं कि ये ठंडा है, तो ठंडा को cool बोलते हैं। It's because in our land we think cool means cold, and so we call it that way. पर ये नौजवानों की लैंग्वेज का मतलब है सब ठीक ठाक है।
But in the language of the young people of this nation, what that really means is all is well. और उधर हम ये बोलते हैं curd, इधर बोलते हैं yogurt, फर्क पड़ जाता है. You know, and we say curd in our land, and they say yogurt, and it seems very different. वो भी अंग्रेजी है, ये भी अंग्रेजी है. That is also English. This is also English. पर फर्क जगह पर उनके मायने फर्क हो जाते हैं. But based on the location, the meaning can change. हम कहते हैं I'll come in 2 minutes. We say I'll come in 2 minutes. 2 minutes में आऊँगा. अंग्रेजी में ये usage नहीं है. ऐसा कभी कहते नहीं कि मैं 2 minutes में आऊँगा. कभी नहीं होता अंग्रेजी language. You know, in the English language, they never use this phraseology where they say I'll come in 2 minutes. पर हम अंग्रेजी को कि हम हिंदी में या अपनी language में सोचते हैं, तो हम कहते हैं I'll come in 2 minutes. अंग्रेजी में बोला, पर अंग्रेजी वाले को ये बात समझ में नहीं आ रही है. You know, because we translate directly from our own language, we speak in English, but the guy listening to us, though he understands English, does not figure out what we're saying. Okay. हमारा 2 मिनट का मतलब 10 मिनट भी होता है. Because our 2 minutes can mean 10 minutes also. आधा घंटा भी होता है. It could be half an hour. उतना कितना भी हो सकता है, लंबा टाइम है ये एक्चुअली 2 मिनट का. You know, it's a very flexible long time. 2 minutes, it could be any amount of time. पर किसी अमेरिकन को आप बोले कि 2 मिनट, उसका मतलब वाकई 2 मिनट होता है. But if you tell an American 2 minutes, he will take it literally to mean 2 minutes. वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं 2 मिनट में आता हूँ. They will never tell you that I'll come in 2 minutes. वो कहेंगे I'll be back in a moment. वो कहते हैं कि अभी क्षण में लौट रहा हूँ. हाँ, वो उसका मतलब कि थोड़ी देर के बाद वो आ जाएंगे. पर स्पेसिफिक खास तौर पर मिनटों की गिनती नहीं वो देंगे वो लोग. You know, they try to convey that they'll be back shortly. They don't try to tell you a specific number of how many minutes they'll come back. हमारा तरीका है, उधर हम ऐसे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में. It's because this is our culture. That's how we speak in our language. हमारे पंजाब में गाँव देहात में जब बच्चे को डांटते हैं तो हम कहते हैं कि ओ बंदे दा पुत बन जा. You know, we tell our children in Punjab, you know, that you should become a good man's son. Right? पर अंग्रेजी में अगर उसे ट्रांसलेट कर दोगे, but if you translate it in English like I just did, बंदे दा पुत, तो वो उसका जो लैंग्वेज जो है चेंज हो जाएगी. You know, the language changes, it has no meaning. अगर उसे बोले कि आदमी का पुत्र बन जाओ, उसे सोचेगा, अंग्रेजी वाला सोचेगा ये पहले किसका है ये. You know, if you say become the son of a man, he'll say whose son were you before this. पर हमारा मतलब वाकई ये नहीं होता कि आदमी का पुत्र बन जा. हमारा मतलब है कि सुधर जा. You know, we don't really literally mean become the son of a man. What we mean to say is straighten out your ways. बहनें कहती हैं, sisters say, बुजुर्ग बहनें कहेंगी, elderly sisters say, ये बात जो है पल्लू में बांध लेना. That you know, this message that has been given, tie a knot to it, to your pallu. है ना, जो पुरानी उनको समझ में आता है, नई वाले को शायद नहीं, ऊपर से चले जाए. You know, those who are elderly, who are from the previous culture, understand the new ones may not get it. You know, that you tie a tight knot to this word onto your garment. You know, and someone will think, what are they giving me that I need to tie it as a knot in my garment? But उस बात का सिर्फ ये, but what they really mean to say by that phrase is, make sure you don't forget, understand, remember what I'm saying. पर वो बातों का खूब अगर तर्जुमा अंग्रेजी में या किसी और भाषा में करेंगे तो उसका ओरिजिनल मायना जो है वो बदल जाएगा. But if we do a literal translation into English from another language, we may lose the meaning, we may get a wrong meaning out of it. इसी तरीके से बाइबल में कुछ ऐसी शब्दावली इस्तेमाल हुई है जिसका ओरिजिनल लैंग्वेज में मायना कुछ और है, पर हमें कुछ और समझ में आता है. And that is why in the Bible, certain vocabulary has been used which has a different meaning based in its original context, but we miss it when we try to translate it. कभी कभार कहते हैं मैं तुम्हें सच सच कहता हूं. The Lord Jesus says many times, truly, truly, I say to you. पर हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान जो उधर इलाके से आते हैं, हम कभी ऐसे दो बारी ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करते. But people from the subcontinent don't use the word twice like this. Right? हम लोग कहते हैं कि God swear, मैं सौगंध खाता हूं, ये पक्का, ये मैं वाकई में ये बात मैं कहता हूँ, ये बात फलानी फलानी बिल्कुल सही है. Instead, what we say is, you know, I swear upon God, I really mean it, or this is true what I'm saying. पर उन ग्रीक लैंग्वेज में, उस संस्कृति में, अगर बात को पक्का, मजबूत, सर्टन और वाक्य में उस बात को तस्दीक करना है, तो वो इस तरह से कहते हैं, सच सच दो बार कहकर उसको पक्का करते हैं उस बात को. But in the Greek language, in the ancient Greek language, if they had to emphasize something, if they had to set something in stone, they would repeat twice, truly, truly, I say to you. इसलिए बहुत सी शब्दावली है जो उस संस्कृति के उस इलाके में मायने रखती हैं, पर हमारे में उसका जो है मायना, हमें अच्छी तरीके से फर्क अपने लैंग्वेज में
उतार कर समझना पड़ेगा ताकि हम उसका सही मायना समझ जाएं. And that's why, because the vocabulary is so special of that time, what we need to do is understand what they're saying and translate it into our language, our context. परमेश्वर का पुत्र जो शब्द है, यो फ्रेज है, इसका एक खास मायना है उनकी उनकी लैंग्वेज में. The Son of God has a specific meaning in their language. पर कई लोग इसको नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर जो है उसकी शादी हुई है, उनकी कोई बीवी है और बीवी का एक बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम जो है परमेश्वर का पुत्र कहते हैं. Many people don't understand that title. What they imagine is God has got married to a woman, that's his wife, and they had a son, and that son is called the Son of God. क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में उस बात को समझते हैं. Because they try to understand it in their own language. पर परमेश्वर के वो सोचते हैं कि ये जो मसीही लोग कभी कभार कहते हैं परमेश्वर का पुत्र, ये तो परमेश्वर को शरीरक बना देते हैं कि परमेश्वर की शादी हुई है, उनका कोई बच्चा है और उसको परमेश्वर का पुत्र कह के परमेश्वर को शरीरक तौर पर वो उनको डिग्रेड कर देते हैं. उनको समझ में नहीं आता ये. And many people think that Christians degrade God because what they do is give him a physical form, bring him into a physical relationship by saying that he has a wife and they had a son together. Yehudi logon ko ye baat achhi tarah samajh mein aati hai. But the Hebrew people, the Jewish people understand this in a very right manner. Jab aapas mein baat karte hain to unko pata hai ki is khaas anushed ka ya is hisse ka kya maana hai. When they speak amongst themselves, they understand very accurately what this phrase means. Yuhanna 1:1 mein aisa likha hua hai. In John chapter 1 verse 1 it's written ki aad mein shabd tha, shabd parmeshwar ke saath tha aur shabd hi parmeshwar tha. That in the beginning was the word was with God, and the word was God. और उसकी पहले की 14 आयत में ऐसे लिखा है बेटा. And in its first chapter verse 14 it's written कि शब्द देहधारी हुआ. That the word became flesh. और उन्होंने हमारे बीच में आके डेरा किया, बसेरा किया और हमारे बीच में आके रहने लग गया. And dwelt amongst us. Right? वही शब्द जो आद में परमेश्वर के साथ था और खुद परमेश्वर था और उसने शरीर का रूप धारण किया, मानुषिक देह लिया और हमारे बीच में आकर उन्होंने बसेरा किया और रहा. The same word that was in the beginning and that was with God and that was in actuality God himself took on the form of human flesh and came and dwelt in our midst. और इस बात को and to understand this और कि परमेश्वर शरीर धारण किया, इंसान के रूप में आया, उस बात को यहूदी लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं परमेश्वर का पुत्र. And to convey this concept that God took on, God the Word took on the form of a human being, they give the title Son of God. उसका मायना है कि वो परमेश्वर की शक्ल में, उनकी सूरत में और बिल्कुल हूबहू इंसान के रूप में प्रकट हो गया, इसलिए परमेश्वर और उसका पुत्र इस तरह से उस बात का मायना उनको. The meaning of that title is that God took on the form of man and he was a very image of God and he came and dwelt in our midst. अब हिब्रू पहला अध्याय उसकी दूसरी तीसरी पंक्ति में ऐसा लिखा है इब्रानियों के खत में. In the book of Hebrews chapter 1 verses 2 and 3 it is written कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, Jesus who is the son of God, और वो उनकी हूबहू शक्ल सूरत और उनका प्रतिनिधि है. That he is the image and the person of God himself. आप अपनी लैंग्वेज में पढ़िएगा जरा इब्रानियों का. Read it in your language. पहला अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी पंक्ति में अगर आपको समझना है तो इसको अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे तब जाके इसको समझ में आएगा हमारे भी. So please read this in your language, chapter Hebrews chapter 1 verse 2 and 3 so that if you read it in your own language you'll begin to understand its meaning. खूब हो उसकी शकल, उसके तेज का प्रतिबिंब, उसके महिमा, उसकी ग्लोरी, उसके जलाल का शकल जो है. He is a very express image of God, the brightness of God's glory. कुलूसियों की पत्री दूसरे अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है. In the book of Colossians chapter 2 it is written. 2:9 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु में परमेश्वर की संपूर्णताई शारीरिक तौर पर बसेरा करती है, वास करती है. Colossians chapter 2 verse 9 says for in him dwells all the fullness of the godhead bodily. देखे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर को अगर पूरी तरह से देखना है तो उसका शारीरिक धारण जो है वो प्रभु यीशु मसीह में संपूर्णता से दिखाई देता है. That if you really want to see God you need to look at Jesus in whose being God has been revealed completely in bodily form. परमेश्वर जो है रूह है.
God is spirit. रूह को कोई देख नहीं सकता. Nobody can see a spirit. अगर कोई रूह को देख ले तो फिर वो रूह नहीं है. If you can see a spirit, then that's no longer a spirit. अगर उस परमेश्वर को जो परम आत्मा है, जो परमेश्वर है और जो रूह है, सबसे उत्तम रूह है, अगर उसको शारीरिक रूप में देखना है तो उसकी संपूर्णता प्रभु यीशु में दिखाई देती है. If you want to look at God, the most high God, you need to see him in the very image of Jesus, who is the fullness of God. और इब्रानियों के खत पहले दूसरे तीसरे में लिखा कि वो परमेश्वर की एग्जैक्ट हूबहू प्रतिनिधि है. उसका दिखने का रूप जो है, उसका शाप जो है, वो प्रभु यीशु में दिखाई देता है. And in Hebrews 1 verses 2 and 3 tell us that Jesus is a very express image of God. He looks just as God does. Fullness of God. And उसमें खुदा की पूर्णता ही है, संपूर्णता है. उसने थोड़ा परमेश्वर को देखा है. It's not like he's just seen a little bit of God. या फिर उसने खुदा के दूत की आवाज सुनी है. Or he's heard the voice of the angel of God. या फिर वो खुदा का भेजा हुआ संत है. Or he's a saint sent by God. या फिर वो सिर्फ एक नबी है. Or he's just a prophet. या फिर वो गुरुओं में से एक गुरु है. Or he's one amongst the teachers. नहीं, वो परमेश्वर की संपूर्णता ही है. He is the fullness of God himself. परमेश्वर को अगर पूरा 100% देखना है तो वो यीशु में जाहिर होते हैं. If you want to look at God in his entirety, in his completeness, in 100% see Jesus. पूरी बात को एक फ्रेज में यहूदी कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र. And to explain this whole big concept in one phrase, they say the Son of God. वो परमेश्वर जिसके अंदर पूरी संपूर्णता जो है, पूरी मुकम्मल जो है, उसकी खूबियां, उसके एट्रीब्यूट, उसका स्वभाव, उसके सारी बातें जो खुदावन यीशु में आकर रहती हैं. That God whose attributes, whose everything, every quality, everything about God has been concealed in Jesus himself. बहुत से नबी आए हैं, संत आए हैं, बड़े लोग आए हैं जिन्होंने परमेश्वर के काम किए हैं. Many prophets have come, many saints have come who've done the works of God. उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना था. They heard the voice of God. कई कहते हैं उन्होंने को खुदा के दूत नजर आए थे. And to many angels appeared. कईयों को खुदा के एंजल ने पैगाम दिया. And to many the angel of God came and gave a message. पर वो इंसान थे जिन्होंने परमेश्वर के रूप को, आवाज को, उनको कुछ चखा था या देखा था या स्पर्श किया था. But these were mere humans who had heard the voice of God or seen a glimpse of God's image. पर यीशु जो है खुदा है जो शरीर के रूप में इस दुनिया में आए. But Jesus himself is the very God who came to this earth in bodily form. इसलिए वो कहते हैं मैं और मेरा बाप हम दोनों एक हैं. And that is why Jesus says the Father and I are one. पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ. That the Father is in me and I am in the Father. जो मेरे बाप करते हैं वो मैं खुद करता हूँ. That which my Father does I do also. वो शुरुआत में आदमे था इसलिए यीशु भी आद से था. Because he was in the beginning, that's why Jesus is in the beginning. परमेश्वर ने ही दुनिया को रची है इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा हुआ कि उसी के द्वारा से सारे जहान रचे गए. Because only God has created everything, that's why it is said in the word that through the Lord Jesus everything was created. गलातियों की पत्री दूसरे की 15 और 16 17 में ऐसा लिखा है, सारी चीजें देखी और अनदेखी उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी के थ्रू से बनी है. In Colossians 2 verses 5 and 6 it says all things seen and unseen have been created by him and they exist through him and they hold together in him. रचना में से एक भी चीज उसके बिना नहीं रची गई है. Nothing out of creation has been created without Jesus Christ. वो सारी चीजों का सृष्टिकर्ता, वो सृजनहार है. He is the creator of all things. इसलिए जब जॉन कहता है कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम इस बात को विश्वास करो कि जीसस क्राइस्ट जो है परमेश्वर का पुत्र है, उसका मतलब है कि वो परमेश्वर हूबहू इस दुनिया में शरीर का रूप धारण करके आए हैं. And that is why when John says I write so that you may believe that Jesus is the son of God, what he's trying to say is that you would believe that Jesus himself is God who has come in bodily form into this earth. इसलिए उनको ये बात जो अच्छी नहीं लगती थी जब यीशु ये कहते थे. And that is why they would not like it when Jesus would say this. क्योंकि वो सोचते कि यीशु ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सिर्फ परमेश्वर ही कह सकता है. They would take offense because they would say Jesus is saying these things but only God should say these things. ये बात प्रोफेसी के तौर पर पुराने अदनामे में यशायाह नबी 9:6 में लिखा हुआ था.
through prophecy in the Old Testament, in Isaiah chapter 9 verse 6 tells us. लिखो अगर आप लिख रहे हैं ये बहुत important बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी हैं. If you're writing it down, please write these down. These are very important things. ये आपके दिमाग में, दिल में, ख्यालों में, रूह में बस जाए तो कि ये ही सारा निचोड़ है बाइबल का. Let this enter into your mind, into your heart, into your spirit, because this is the very essence of the Bible. देखो ये सारा निचोड़ है पुराना और नए अदनामे का. This is the essence of the Old and the New Testament. ये क्रिश्चियनिटी को सारी बातों से, सारे ख्यालों से, फिलॉसफी से अलग बनाता है. And this is what differentiates Christianity from all other thoughts and philosophies. देखें 9 की 6 में ऐसा लिखा गया है. Isaiah chapter 9 verse 6 says. एक child is given. That we've been given a child. और एक पुत्र बख्शा गया है. We've been given a son. ये पहले से बताया गया था कि जब मसीहा आएगा तो एक बच्चा जो है वो जन्म लेगा पर पुत्र बख्शा जाएगा. आप 9 की 6 कोई अपनी लैंग्वेज में पढ़े जरा. प्लीज रीच चैप्टर 9 वर्स 6 इन योर लैंग्वेज. कोई भी जन जल्दी से क्विकली. हमारे लिए एक क्या बालक उत्पन्न हुआ, पुत्र दिया गया है. दैट वी हैव बीन गिवन अ सन. बालक और पुत्र दो बातें हैं. Child and son, there are two things there. Mary के थ्रू से क्या होने वाला है? What's going to happen through Mary? इन्हीं दायें में बाद लिखा है कि virgin will give birth to a son, ऐसा लिखा हुआ है बाद में. In these verses there is written that a virgin will give birth to a son. ठीक है, लिखा है एक पुत्र बख्शा गया है पर बालक जो है वो पैदा हुआ है. A child is born but a son has been given. यीशु के दो नाम हैं. Jesus has two names. Jesus and Christ. And Christ. जीसस जो उनका जमीन का नाम है. The name Jesus is his earthly name. जो उनको शरीरी तौर पर लोगों ने उनको बुलाया, ये कहा गया, ये परमेश्वर ने कहा कि ये ऐसा नाम उनके लिए शरीरी तौर पर रखना ताकि सब लोग उनको बुला सके इस नाम से. And the Lord had chosen this name for Jesus so that people on the earth would call him by that name. ये उनका अर्थली नाम था, जमीनी नाम था. This was his earthly name. पर मसीही. But Christ. मसा किया हुआ. One who's anointed. अभिषिक्त. One who's anointed. वो खुदा की ओर से है. That name is from God. वो बात जो यीशु को खुदा बनाती है, परमेश्वर बनाती है. That name makes Jesus God. मरियम जो है उनको एक वेसल के तौर पर खुदा ने चूज किया. God had chosen Mary as a vessel. वो नहीं तैयार थी. She was not prepared. खुदा ने फरिश्ता भेजा. God sent his angel. खुदा की रूह से तुम गर्भवती होगी. That you will bear a child by the spirit of God. किसी इंसान के थ्रू से नहीं. Not by some man. खुदा की रूह से. By the spirit of God. खुदा की रूह से तुम गर्भवती होगी. That you will become pregnant of the spirit of और God. और बच्चे का जन्म देंगी. And you will give birth to a child. वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. And he will be called the son of God. तुम बच्चा को पैदा करोगी. You will give birth to a child. वो बच्चा जो है खुदा का जो हूबहू प्रतिनिधि शक्ल स्वरूप ता कहलाएगा वो. But that child will be the very express image of God. He'll be called the son of God. वो खुदा की रूह से होगा. That'll happen by the Holy Spirit. उसने जीसस को पैदा किया. She gave birth to Jesus. पर खुदा ने उसे मसा किया. But God anointed him. इसलिए दो उनके लिए दो ये दो उनके लिए दो नाम है. That is why he has two names. Son of man, मनुष्य का पुत्र. मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर का पुत्र. And the son of God. क्योंकि मनुष्य होने के नाते को उसको complete शरीर को होना है. Because to be a man, he has to be completely physical. गुनाह को खत्म करने के लिए उनको शरीर में आना था. To end sin, he had to come in flesh. क्योंकि गुनाह शरीर में हुआ था. Because sin had entered through the flesh. इसलिए यीशु को शरीर में आना था. That's why Jesus had to come in bodily form. पर वो 100% खुदा और 100% इंसान थे. But he was 100% God and 100% man. Exact representation of God. परमेश्वर का बिल्कुल सही परिपूर्ण प्रतिनिधि. वो परमेश्वर का संत नहीं. Not a saint of God. ना उनका कोई नबी सिर्फ. Not a prophet of God only. वो exact 100% लिखा है fullness of God. परमेश्वर की भरपूरी उसमें थी. But he was the very fullness of God, the complete picture of God. जो परमेश्वर करते थे वो खुद करते थे. That what God would do, Jesus would do. जो परमेश्वर सृजना करते हैं वो उन्होंने आद से था और सृजना करते थे वो.
God who created all things from the beginning was creating all things. Matti ki injil mere sath nikale 26 adhyay aur uski 63 ayat ko nikale. Open up the book of Matthew chapter 26 verse 63. Matti ki injil 26 adhyay 63 ayat. Matthew 26:63. Likh le, ye aapke liye bahut important hai. Is yug mein nahi samjhenge to aap garbhad mein pad jayenge. Aap samjh nahi payenge kya ho raha hai. Please write this down. It's very important for you because if you don't get this, you will not understand what's happening in this day and age. You know what happened? जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, when Jesus was arrested, उनको उन पर एक दोष लगाया गया. There was a blame brought upon him, an accusation. उनको कहा गया कि तुम अपने आप को परमेश्वर कहते हो. And he was accused of calling himself.